हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्कार, आई एम डॉक्टर प्रज्ञा गोयल, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट चाइल्डलाइन हॉस्पिटल चंडीगढ़। आज मैं बात करूंगी पीसीओएस के बारे में, जिसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये टीनेज गर्ल्स और यंग वुमन में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। ये बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो कि बॉडी में हॉर्मोन्स के उतार चढ़ाव या असंतुलन की वजह से हो जाता है, और बॉडी में कई तरह के लक्षण इसकी वजह से आ जाते हैं, जैसे कि पीरियड्स का ना समय पे आना, मोटापा होना, मुहासे आना, या यंग वुमेन में बांझपन का हो जाना। अल्ट्रासाउंड में अगर हम देखें तो इसकी वजह से मल्टीपल ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जो कि हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस भी करते हैं, और मेनली मेल हॉर्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम इसकी कॉजेज़ के बारे में बात करें तो कॉजेज में मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज हैं, बल्कि जो मोस्ट कॉमन माना गया है कॉज, अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, शोध का विषय है, बट जो कॉमनली कॉज माना गया है वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड औरतों में ये हो जाता है। साथ ही साथ इसके साथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल और जंक फूड वगैरह का खाने की वजह से मोटापा आना, और इनके जो सिम्टम्स हैं पीसीओएस के जो सिम्टम्स, इसकी वजह से और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से सही समय पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, तो सही समय पे हम ट्रीटमेंट लेके इसके जो दुष्प्रभाव हैं शरीर में उसके हम बच सकते हैं। ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का बहुत ज़्यादा रोल है। आपको अपना वेट कम करना है बाय एक्सरसाइज एंड बाय डाइटिंग। सो एक्सरसाइज में आपको एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक करना ज़रूरी है, या 30-35 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग पर डे आप कीजिए, जिससे आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपका बीएमआई नॉर्मल रहेगा। डाइट में आपको बिल्कुल लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो शुगर डाइट लेनी है। अपने जंक फूड को बिल्कुल आप कट कर दीजिए, सो दैट कि आपको जो है जो वेट गेन आपका नहीं हो पाए, और साथ इसके साथ ही पीसीओएस के जो प्रभाव है वो बॉडी में ना हो। सो फ्रेंड्स, आपको सही समय पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इन लक्षणों के बारे में डिस्कस करना है, गायनेकोलॉजिस्ट की गाइडेंस लेनी है, सो दैट कि लेटर ऑन जो लाइफ में इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ना हो। थैंक यू सो मच।